कंटिन्यू, ठीक है। चैप्टर का नाम कौन सा है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी नंबर की के बारे में बात करूं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो अगर मैंने बोला कि आतिफ सर ने एक मैथ्स का टेस्ट दिया जिसमें तुम सब थे और आतिफ सर थे, तो आतिफ सर के टॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बताएगा? ओके, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। प्रणव बख्शी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, प्रणव बख्शी ने बोला है कि जीरो, ठीक है, गुड प्रणव बख्शी। कुछ लोगों ने 100% आंसर दिया है, कुछ लोग 99.99% आंसर दे रहे हैं, बाकी यस। एम आई ऑडिबल एवरीवन? एम आई क्लियरली विजिबल एवरीवन? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज करो मैं और तुम सब लोग एक मैथ्स का टेस्ट दे रहे हैं, तो उस मैथ्स के टेस्ट में मेरे टॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत लोग मुझको 100 आंसर दे रहे हैं, 100% आंसर दे रहे हैं, 100%। द करेक्ट आंसर इज 1, द करेक्ट आंसर इज 1, नॉट 100%, 100% नहीं, 1। बेसिकली हम किस चीज के ऊपर डील कर रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये चीज हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी, एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 के बीच, ठीक है। सीधे सीधे अगर कोई तुमको लगता है कि किस तरह से ये निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी, तो वो यहां पे तुमको दिख भी जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सबको समझ में आएंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील विद द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ happening or not happening of an event, मतलब basically happening or not happening, ये question का part है। question में तुमसे क्या पूछा जाएगा? question में तुमसे पूछा जा सकता है कि whether Atif sir will top the class, or whether Atif sir will come third in the class, or whether Atif sir will fail in the class, ये एक event है ना, या whether Atif sir will not top the class, तो एक इवेंट हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, ठीक है, कुछ चीज हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी जाएगी। तो ये जो चीज हो रही है, एक बड़ी सी चीज होगी, उसमें एक छोटे से पार्ट की, अब वो छोटा सा पार्ट कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। अब वो बड़ी चीज सी चीज क्या हो रही है, वो बड़ी सी चीज क्या हो रही है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। जैसे जो टेस्ट होता है, ठीक है, हाँ प्रणव, कोई इशू नहीं, आतिश सर नहीं, मैंने आतिफ सर बोला था, लेकिन ठीक है, आतिश सर आतिफ सर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, काफी लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं आतिश सर के सामने और बोलते हैं सर मुझे मैथ्स पढ़ाइए, ठीक है, हाँ। सो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली टेस्ट होना क्या है, टेस्ट होना इज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो मतलब मान लो एक रेस हुई, अब उस रेस के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। कैन यू टर्न ऑन द स्पॉटलाइट मोड? लेट मी ट्राई द स्पॉटलाइट मोड। Yes. Yes. हाँ, so everyone,
एक रेस हुई उसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आउटकम्स, रेस होना इज एन इवेंट, रेस होना इज एन इवेंट, रेस के जितने आउटकम्स हैं, आउटकम नंबर वन, आउटकम नंबर टू, आउटकम नंबर थ्री, आउटकम आउटकम नंबर फोर, ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है, और वही आउटकम्स में से एंड इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं वैसे समझाता हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, देयर कुड बी फाइव, वन आउटकम, सेकेंड आउटकम, थर्ड आउटकम, फोर्थ आउटकम एंड फिफ्थ आउटकम, देयर कुड बी फाइव आउटकम्स, ठीक है, देयर कुड बी फाइव आउटकम्स। अब उनमें से इवेंट, इवेंट तो क्वेश्चन डिफाइन करेगा ना, जो तुमसे पूछा जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन के हिसाब से जो इवेंट पूछा गया है, वो इवेंट पूछा गया है तुमसे इवेंट नंबर वन एज वेल एज इवेंट नंबर फोर। मतलब तुम्हारी जो डेफिनेशन क्वेश्चन में दी गई है दैट कंसिस्ट ऑफ वन एंड फोर, ठीक है। तो ये चीज अभी क्वेश्चंस पढ़ के आएगी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, कोई इशू नहीं, डजेंट मैटर, अभी क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब डेफिनेशन वाली चीज है, ठीक है? तो मेरा सीधे सीधे कहना है पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। मतलब जैसे वो 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा था, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे दो थे आउट ऑफ टोटल 5 आउटकम्स। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता उन दो आउटकम्स की, वो बहुत ही मतलब वेग है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से नहीं डिफाइन किया, उसमें और भी चीजें होंगी ऑब्वियसली आगे क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर पांच आउटकम्स आ जा रहे थे और मैं पूछता कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउटकम नंबर वन एंड फोर वुड बी 2/5, गॉट इट? सबको ये चीज समझ में आ गई? तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, इतना लिख लो। मेरे नोट्स, एक मिनट दो, मैं नोट्स लेके आता हूं अपना। यस, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब सबसे पहले मैं सीधे सीधे एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, लेट्स सी कितने लोग सही करते हैं। बेसिकली डेट इज कि वेदर आपने पीएनसी अच्छे से रिवाइज किया है कि नहीं किया है। 100 coins आर टॉस्ड एट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 50 heads। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट मी सी आप लोगों ने सही से किया है, रिवाइज किया है कि नहीं किया है। 100 coins are tossed at once. Find the probability of getting exactly 50 heads. Answer batao. Everyone, answer batao.
आंसर बताओ, जिसका जिसका आ गया आंसर बताएं। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत ही कम लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहे हैं मुझको। बहुत ही कम लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहे हैं मुझको। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं ये समझो कि हो क्या रहा है। कॉइन वन के पास दो ऑप्शन है हेड टेल्स के, कॉइन टू के पास दो ऑप्शन है हेड टेल के, कॉइन हंड्रेड के पास ऑप्शन है हेड टेल के। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, इस पहले के दो, दूसरे के दो एंड लास्ट के भी दो। तो 2 raised to 100, 2 raised to 100, एम आई करेक्ट? क्योंकि सब एक साथ हो रहे हैं ना एट वंस, एंड कंडीशन है ना, और कंडीशन नहीं है ना कि पहला हो या फिर दूसरा हो या फिर तीसरा हो। तो 2 plus 2 plus 2 नहीं, 2 into 2 into 2। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या जो जिसको सैंपल स्पेस बोल लो, या नीचे जो आता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, 2 raised to 100 टोटल आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितने 50 है, कितने हेड्स आने हैं, 50, एग्जैक्टली 50। कौन से इन 100 कॉइंस में कौन से 50 होंगे, मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू सेलेक्ट दोज 50। तो सिलेक्शन ऑफ 50 इज 100c50। 2 raised to 100 इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड 100c50 इज चूजिंग 50 कॉइन्स। अच्छा, 50 कॉइन्स चूज चूज करने के बाद उनको हेड्स देने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी वेज? कोई भी नहीं, क्योंकि हेड्स आना एक आउटकम है। तो यू कैन से 1 raised to 50, यू कैन से 1 raised to 50 विच इज 1 itself, और रेस्ट ऑफ द 50 पे टेल आने के लिए भी 1 raised to 50 विच इज अगेन 1। ठीक है, तो The final answer would be 100c50 upon 2 raised to 100। It was basically a PNC question, direct PNC question। कौन सा, जिसमें ऊपर भी एक PNC निकालना है, नीचे भी एक PNC निकालना है। Got it? सबको मिल गया? आगे बढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन जाए जितना भी हो लिखना तुमको, इतना इतना ही, और प्रॉपरली लिख लेना। देखो, प्रोबेबिलिटी में इस तरह से मत लिखना कि जितना मैं लिखा रहा हूं, अगर तुम उतना ही लिखोगे ना, तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो तुम्हारा काम क्या है, जो मैं बोल रहा हूं उसको मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखने की कोशिश करो। जो मैं ये दिखा रहा हूं उतना तो लिखना ही है, रेस्ट ऑफ द थिंग जिसमें जब रिवाइज करो तो चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट, इफ टू डाई आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, करो आंसर निकालो, मैं पानी लेके आता हूं।
ओके अभी तक किसी ने दिया नहीं, 2 मिनट लो, टेक योर टाइम, गिव द आंसर. आई एम नॉट सो वेल गाइस, मतलब मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है संडे मंडे से, इवन गौरव सर की भी तबीयत अच्छी नहीं है, सो आराम आराम से करेंगे. फाइनल आंसर देना इसका. What would be the number of outcomes? What would be the number of outcomes? 36. ठीक है. अब सम जब भी प्राइम नंबर हो तो बेसिकली ये बताओ, अगर दो डाई रोल कर रहे हैं तो मिनिमम सम क्या आ सकता है? और मैक्सिमम क्या आ सकता है? 12. ये 2 के आगे मैंने 1 क्या लिखा है? 2 के आगे 1 लिखने का रीजन ये है कि 2 आने के लिए बेसिकली दोनों डाई पे 1 आना 1.1 आना चाहिए. ठीक है, 3 आने के लिए डाइस पे क्या आना चाहिए, 1.2 या 2.1? फिर 5 आने के लिए, 7 आने के लिए, 11 आने के लिए, ये सब मैंने क्या देखे हैं? दीज आर द प्राइम नंबर्स. दीज आर द प्राइम नंबर्स जो आ सकते हैं. 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 5 आ सकता था, 7 आ सकता था, 11 आ सकता था, और उनके आने के नंबर ऑफ इवेंट्स देख लिए, 1, 2, 4, 6 एंड 2. तो अगर मैंने उन सबको ऐड किया तो 15/36 विच इज इक्वल टू, काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था, 5/12. गुड, ठीक है, आगे करें. लिख लो, जिसने भी नहीं लिखा है लिख लो जल्दी से. मैं कुछ खा लेता हूं तब तक. ठीक है, नेक्स्ट. A card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that it is neither a heart nor a face card. Face card कौन से होते हैं? देखो, probability सीखने के लिए तुमको क्या बनना पड़ेगा? तुम लोगों को जुआरी बनना पड़ेगा. तुम लोगों को cards पता होने चाहिए. ठीक है, पता है काफी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो नहीं है वो बता दे, उनको बता दे, क्योंकि हमको तो बचपन में यही सिखाया जाता था, कार्ड्स मतलब वो तो मतलब जुआरियों का गेम है. ठीक है, लेकिन कार्ड्स एक्चुअली किसका गेम है? कार्ड्स किसका गेम है? मैथमेटिशियंस का. कार्ड्स अगर सबसे इंपॉर्ट, मतलब कोई पूछे ना प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, तुमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे ना मैथ्स में, सबसे ज्यादा तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी का यूज आता है रियल लाइफ में. बताएगा कोई किस किस सेक्टर में प्रोबेबिलिटी यूज होती है?
कैसिनोज में यूज होती है, ठीक है, कैसिनोज पता है, कैसिनोज तो सबको समझ में आ जाता है। दूसरा कौन सा सेक्टर? दूसरा कौन सा सेक्टर? नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं होती है। स्पोर्ट्स में मतलब नहीं, स्पोर्ट्स बैंकिंग सेक्टर मतलब, या फाइनेंशियल सेक्टर बोल लो, दूसरा बोल लो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इसी वजह से काफी लोग जो मैथ्स में अच्छे होते हैं वो फाइनेंशियल चीजों में अच्छे होते हैं। तुम्हें बैंक बैंक का कोई भी डिसीजन होता है ना, जितने भी बैंक का, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का या स्टॉक्स का या कोई भी चीज का, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज, इवन स्पेस साइंस या जितने भी ऐसे सोलर सिस्टम वाली या सारी चीजें हैं, वहां पे भी यूज होती है। अच्छा, काफी लोग बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग में, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग में यूज होती है, क्योंकि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं, तो बैंक मतलब प्रोबेबिलिटी उसमें यूज होगी। एंड अपनी तारीफ क्या करना, बट प्रोबेबिलिटी वॉज सपोज टू बी माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन IIT। IIT में कंप्यूटर साइंस वालों को थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता है, और किसी को नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस वालों को भी होता है, ठीक है। मैंने शायद बताया था, ठीक है, टेस्ट प्रोबेबिलिटी के टेस्ट वाली भी बताया था, ठीक है। सो दैट्स हाउ गुड एंड दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर इन कंप्यूटर साइंस, if you're looking for a future in computer science or finance sector, or if you're planning to run your own business, then probability tum skip nahi ho sakte, skip nahi kar sakte, theek hai। aa jao wapas answer batao iska, kafi log answer bata rahe hain, the answer is 30/52, ya obviously usko cancel bhi kar sakte hain, 15/26। hua kya, फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, टोटल आउटकम्स तो सबको 52 समझ में आ गया, फेवरेबल आउटकम्स 15 माइनस व्हाट इज दैट 13, व्हाट इज दैट 13, हार्ट। टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं एक पैक में, एक पैक में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, बट मैंने माइनस 9 किया है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग फेस कार्ड्स। क्यों, क्योंकि इस हार्ट के अंदर हार्ट वाले फेस कार्ड्स तो आ ही गए हैं ना, तो इस वजह से द आंसर इज 30/52। नेक्स्ट करें, क्लियर, यस। अगर किसी को पिछले उसमें आंसर लिखना है तो लिख लो जल्दी से, बाकी मैं शीट तो शेयर कर दूंगा। इस वीक खत्म कर देंगे प्रोबेबिलिटी, होपफुली। अभी सही है, एवरीवन, यस, आई एम अ पिकासो। मैं इसकी, आजकल डिजिटल आर्ट भी बिकती है ना, शायद किसी को पता है ना, डिजिटल आर्ट भी बिकती है।
हाँ मतलब उसका भी मतलब डिजिटल आर्ट में भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल बनाना है, क्योंकि डिजिटल आर्ट तो कॉपी पेस्ट है ना। गुड गुड, बनाओ बनाओ। सर यस जरा वो आपने जो स्क्रिबल किया है ना उससे थोड़ा साइड हटो ना, वो स्क्रिबल आपके शैगी बाल लगते हैं, वो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा ठीक है, हट गया हट गया। हाँ चलो क्वेश्चन है, थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन आर जॉइंट रैंडमली, फाइंड द चांस दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आंसर बताओ सब लोग। सो बेसिकली जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल है वो 6C3 पॉसिबल है। 6C3, व्हाट डू यू मीन बाय 6C3? मैंने 6 वर्टाइसेस में कोई भी 3 वर्टाइसेस निकाल लिए, आउट ऑफ 6 वर्टाइसेस आई पिक्ड एनी 3, क्योंकि एक ट्राइंगल के लिए 3 वर्टाइसेस चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है, कौन से? वन इज दिस, द अनदर इज दिस, बाकी कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। करके देख लेना घर पे भी। तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है, बाकी जितने भी ट्राइंगल्स हैं दे आर नॉट इक्विलेटरल। अगर किसी को लग रहा है कि वो कौन से ट्राइंगल्स हैं तो देखो, इज दिस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? नहीं। इज दिस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? नहीं। इज दिस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? नो। तो ऐसे वाले ट्राइंगल्स नहीं है, वो 20 के पार्ट्स हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो आंसर इज 2/20, विच इज 1/1/10। ठीक है, क्लियर? ग्रेट, आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। जल्दी जल्दी करो, दूसरा होगा ऑब्वियसली देयर सम इज इवन, एंड तीसरा होगा दे आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स पता है? डू यू गाइज नो वॉट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स या को प्राइम्स भी बोलते हैं। बेसिकली बेसिकली उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। नहीं, वो शायद को प्राइम्स होते हैं ना। ट्विन प्राइम्स मतलब दे आर बोथ प्राइम्स, राइट?
ट्विन प्राइम्स आर क्या होते हैं, जरा गूगल पे करो। ट्विन प्राइम्स को प्राइम्स के आपस में फैक्टर्स नहीं होते हैं ना, गूगल पे करके मुझे बताओ व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम इज दैट इज आइदर टू लेस और टू मोर देन अनदर प्राइम। ओके ओके वही ठीक है, नई डेफिनेशन है। मुझे लगा था इट वॉज दो, नहीं दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स नहीं, उनके बीच का डिफरेंस, इट इज नॉट जस्ट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, द डिफरेंस बिटवीन दोज टू प्राइम नंबर्स शुड बी टू। आई रिपीट, ट्विन प्राइम्स मतलब द डिफरेंस बिटवीन दोज टू प्राइम नंबर्स शुड बी टू। ठीक है, जैसे कि टू थ्री है, टू थ्री है, is 2 and 3 prime twin primes? 2 and 3 is twin prime? No. 3 5 hai. 5 7 hai. 7 11 hai? 7 11? No. 11 13 hai. 7 9? Kya 7 9? 7 9 kahan se aa gaya beta? 7 9 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दे आर नॉट बोथ आर नॉट प्राइम नंबर्स। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका आपस का डिफरेंस इज टू। ठीक है, अभी पहला केस टोटल आउटकम्स, 20 नेचुरल नंबर्स में से अगर मुझे दो सेलेक्ट करने हैं तो 20 सी टू विच इज 190। अगर मुझे सम ऑड सेलेक्ट करना है तो एक इवन सेलेक्ट करना है, एक ऑड सेलेक्ट करना है। इवन सेलेक्ट करने के लिए 10 सी वन, ऑड सेलेक्ट करने के लिए भी 10 सी वन। क्यों? क्योंकि 20 में से 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे। तो 10 सी वन इंटू 10 सी वन अपॉन 20 सी टू विच इज 100 बाई 190। तो 10 बाई 19 पहला सही है सबका। Yes, I think first is correct. Even sum plus odd sum equal to 1. The sum is even. अच्छा, अब basically एक दूसरी चीज use की गई है. Obviously, अपने normal theory से भी निकाल सकते थे. Normal theory क्या? अगर sum even आ रहा है, तो sum even कब आएगा? Sum even कब आएगा? या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तो या तो उस तरह से निकाल सकते थे, या फिर तुमको समझ में आता है कि अगर मैं इन दोनों को कभी भी कोई भी सम या तो इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करता, आई रिपीट, अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करता, पी ऑफ इवन प्लस पी ऑफ ऑड, वो क्या होती? It would always be one. ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई टेस्ट हुआ, कोई टेस्ट तुमने दिया, तो तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी और तुम्हारे फेल होने की प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा वन रहेगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी इज 6/10, तो तुम्हारे फेल होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/10। ठीक है, तो यही चीज यहां पे यूज किया है कि p ऑफ इवन सम प्लस p ऑफ ऑड सम इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ इवन सम इज इक्वल टू 10/90। ये ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से भी करा सकता था। मुझको 190 तो दिख पता ही है। अगर दोनों 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 अगर मुझे इवन सेलेक्ट करने होते थे, तो मैं क्या करता? 10c2। अगर मुझे दोनों ऑड सेलेक्ट करने होते थे, उस केस में मैं क्या करता था? उस केस में भी
10C2 होता क्या है, 10 into 9 by 2, ठीक है, तो ऊपर 90 बनता, विच इज 90 by 190, ठीक है, गॉट इट। तो ये दूसरे मेथड से हो जाता। तीसरा वाला मैंने ट्विन प्राइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो कौन कौन से हो सकते थे, 3, 5, 5, 7, 17, 13 and 17, 19, 13, 17 लिख लो, या 17, 13 दोनों सेम ही चीज है, नहीं 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 17 नहीं है, दिस इज 11, दिस इज नॉट 17, दिस इज 11, 13, करेक्ट कर लेना, 11, 13 and 17, 19। तो 1 से 20 में ट्विन प्राइम्स आर दीज, 1 से 20 में ट्विन प्राइम्स आर दीज, कितने पॉसिबल केसेस हैं, 4 हैं आउट ऑफ 190, तो 2 by 95। एवरीवन ये चीज लिख लो, फिर इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। जिसका मुझको फाइनल आंसर चाहिए होगा, 2 मिनट में दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेसिकली, देखो सबसे पहले सम ऑड ऑड था, तो मैंने ऑड वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ऑड होने के लिए एक इवन होना चाहिए एक ऑड होना चाहिए, तो वो 10 by 19 निकल गया। उसके बाद मैंने सम इवन माना, इवन निकालने के लिए मैंने 1 minus odd कर दिया, और तीसरा वाला केस तो बहुत ही सिंपल था, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्विन प्राइम वाले केसेस देख लेने थे, तो वहां पे आंसर आ गया 2 by 95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। अलीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 Sundays एंड 53 Mondays, हैज 53 Sundays और 53 Mondays। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, ठीक है, 2 मिनट है, तीनों आंसर निकालोगे, उसके बाद तीनों आंसर एक साथ दोगे, पहला आंसर फिर कॉमा दूसरा आंसर फिर कॉमा तीसरा आंसर, एक एक करके नहीं दोगे। चलो अब शुरू करते हैं क्लास। लीप ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय लीप ईयर, 52 वीक्स इनटू 7 डेज,
364, कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? जो एक्स्ट्रा दो दिन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? इट कुड बी मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? देयर आर सेवन पॉसिबिलिटीज. देयर आर सेवन पॉसिबिलिटीज. तो इन सेवन एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी में कितनी पॉसिबिलिटी में संडे आ रहा है? दो पॉसिबिलिटी में, तो 2/7. कितनी पॉसिबिलिटी में संडे एंड मंडे आ रहा है? 1 केस में संडे एंड मंडे दोनों आ रहा है, संडे हो या मंडे. ठीक है. और दो एक्स्ट्रा डेज क्यों है? हेथ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक बचपन में तुमको किसने पढ़ाया था, ये कैलेंडर किस सब्जेक्ट का पार्ट होता होगा? कैलेंडर किस सब्जेक्ट का? मैथ्स का पार्ट होता है कैलेंडर, मतलब मैथ्स का होता है. आर यू श्योर? मैथ्स के टीचर पढ़ाते थे, ज्योग्राफी वाले में? ज्योग्राफी नहीं, किसमें होता था? ओके, मे बी मैथ्स में होता हो या जो भी हो, पता नहीं वो किस सब्जेक्ट का पार्ट होता है वो भी नहीं. ठीक है. एक जनरल नॉलेज, लेकिन जनरल नॉलेज का कोई सब्जेक्ट होता था बचपन में? कहीं ना कहीं तो स्कूल में पढ़ाया जाता होगा ना. ठीक है. तो ए लीप ईयर हैज 366 डेज. तो 364 डेज यानी ये 52 वीक्स तो कभी कोई तुमसे ले ही नहीं सकता. हर साल, एवरी ईयर 52 वीक्स तो कंसिस्टेंटली रहेंगे ही रहेंगे. जो अनकंप्लीटेड वीक है वो 2 दिन का है. अनकंप्लीटेड वीक है वो 2 दिन का है. ठीक है. तो अगर सीधे सीधे मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता, अब इसका आंसर बताओगे सबका. अ नॉन लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 Sundays एंड 53 मंडेज एंड 50 Sundays और 53 मंडेज. अब आंसर बताओ. ऑब्वियसली यहां पे मैंने थर्ड का आंसर आ गया है 3/7. पहले का है 2/7, 1/7, तीसरे का है 3/7. पहले ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन में बस एक माइन्यूट सा चेंज हो गया है. मैंने चेंज कर दिया है कि नॉन लीप ईयर. लोग आंसर सही बता रहे हैं मुझको. Everyone is giving me the correct answer. अगर non leap year है तो मेरे पास extra कितने दिन आ रहे हैं? Extra एक ही दिन आ रहा है, but उस एक दिन की 7 possibilities आ रही हैं. Extra एक दिन आ रहा है, but उस एक की 7 possibilities आ रही हैं. तो उसका पहले वाले का आंसर होगा 1/7. क्यों? वो सिर्फ संडे वाली चीज उठाएगा. दूसरे वाले का 53 संडे एंड 53 मंडे कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो 0. और तीसरे वाले का 2/7. 1/7, 0 एंड 2/7. ठीक है. अभी क्लियर हो गया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट या इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट? अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन थी. ठीक है, आगे बढ़े.
What is the chance that the fourth power of an integer ends in the number 6? किसी ने बोला आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. किसने बोला? श्यामनी फर्स्ट केस कौन सा, मतलब लीप ईयर का कि नॉन लीप ईयर का? बाकी सब लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करो. अच्छा प्राइम वाला, अच्छा ट्विन प्राइम वाला. ठीक है बेटा, वो बाद में मैं मुझको अलग से मैसेज कर लेना. व्हाट इज द चांस दैट द फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर एंड्स इन द नंबर 6? व्हाट इज द चांस दैट फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर एंड्स इन नंबर 6? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा बट अच्छा क्वेश्चन है. आई रियली लाइक्ड इट. इस संडे आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का वैट है, पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का वैट है, ठीक है. आंसर बताओ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं. टेल मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. अच्छा ये बताओ, what is the chance that fourth power of an integer ends in the number 6? When I talk about ends in the number 6, ends, to ends, end wala number kis cheez ke upar depend karta hai? Kisi ke bhi koi bhi power ka ending number hamesha unit place pe depend karta hai na. Last digit of the number pe depend karta hai, ya थोड़ा सा अगर मैं बिल्कुल ही वैसे बोल दूं तो यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? यूनिट प्लेस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? यूनिट प्लेस कुड बी ऑफ 10 टाइप्स, 0, 1, 2, up to 9. अब यूनिट प्लेस, इन यूनिट प्लेस के थ्री फोर फाइव सिक्स क्या लिखा है, 6 का स्क्वायर, नहीं ये गलत लिखा है, 3, 4, 5, 6 है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कितने के स्क्वायर विल गिव मी 6? फोर स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और कोई देगा? अच्छा फोर्थ पावर बोला है, सॉरी फोर्थ पावर बोला है. तो 4, 4, 16, 16, 16, 36, यस. 6, 6, 6, 6 हमेशा देगा. 2, 4, 6, 18 भी देगा. और कोई देगा? 8, 8, 64, 64, 4, 4, 16 फोर्थ पावर बोला है. सॉरी मैंने स्क्वायर देख रहा था. तो ये फोर्थ पावर, ये इनकी फोर्थ पावर विल गिव मी एंड एट 6. तो इट मींस 4 out of 10. तो आई कैन से 4 out of 10 के, या डायरेक्टली लिख सकता हूं 4 out of 10. ठीक है, दिस वॉज 2, 4, 6, 8, ये गलत लिखा था. ठीक है, आउट ऑफ दीज 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट देर आर ओनली 4 डिजिट्स हुज फोर्थ पावर एंड्स इन, हुज फोर्थ पावर एंड्स इन 6. गॉट इट? आगे बढ़े. अच्छा मुझको बताओ, क्या अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी से शुरू की है?
एक्चुअली नहीं, अगर मैं वैसे बोलूं ये सब पीएनसी ही चल रहा है, ये सब पीएनसी ही चल रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब अभी प्रोबेबिलिटी की कोई थ्योरी नहीं आई विच इज स्पेसिफिक टू प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जनरली दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट दो क्वेश्चंस आते हैं. तो वो दो क्वेश्चंस या तो एक पूरा का पूरा फुल पीएनसी का होगा, एक प्रोबेबिलिटी का होगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस का होगा, या फिर दोनों प्रोबेबिलिटी के होंगे बट एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा विच इज लाइक दिस, दिस इज पीएनसी, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी का हो सकता है, या तीन हो गए तो और अच्छी बात है, एक प्रोबेबिलिटी एक मिक्स्ड एक इसका. जब 30 क्वेश्चंस होते थे तो थोड़ा सा चांस होता था, अभी भी क्वेश्चंस है तुम्हारे 30 है ना, पता है ना, डू यू गाइस नो, मतलब आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा बट डू यू गाइस नो कि क्वेश्चंस 30 हैं. इस साल के फॉर्मेट में क्या था, देयर वर 30 क्वेश्चंस बट देयर वर 30 क्वेश्चंस बट कोई बताएगा, नहीं, अच्छा काफी लोगों को नहीं पता, ठीक है सर्च करना थोड़ा सा खुद से तो सर्च करो ना, थोड़ा जेई वेई के बारे में पता रखो, ठीक है. देयर आर 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस. अक्षय क्या बोल रहे हो, देयर आर 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, देयर आर यूनिट प्लेस ओनली कॉज एन इंटेज व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 के लिए इट विल बी ट्रू ना, मतलब डिविजिबल बाय 2 2 का क्या मतलब है, देयर आर 4 एप्पल्स करके देख लेना घर पे, ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन. देयर आर 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, दे आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द चांस दैट द 2 एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस. ठीक है एवरीवन, मैंने 3 केस बना दिए हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा पूरा का पूरा पीएनसी की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए. डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल वाले केसेस इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे. तुम्हारे पास 4 एप्पल है एंड 3 ऑरेंजेस है, उनको स्ट्रेट लाइन में रखना है, खड़ा करना है सीधे सीधे, तुम्हें ये चांस निकालना है कि 2 एक्सट्रीम वाले फ्रूट्स शुड बी ऑरेंजेस इन द फर्स्ट कंडीशन की सब डिस्टिंक्ट है, दूसरे उसमें एप्पल डिस्टिंक्ट है बट ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तीसरे उसमें एप्पल भी आइडेंटिकल है और ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल है, बताओ करो. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे. थ्योरी भी तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी. आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक हम लोग कर देंगे, आज वी वुड बी फिनिशिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सब डिस्टिंक्ट वाले केस सबसे इजी होता है, सब डिस्टिंक्ट वाला केस, अगर मुझे सबको लाइन से खड़ा करना है, ठीक है, सबको लाइन से खड़ा करना है और कोने में 2 ऑरेंजेस होने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूंगा. अच्छा नीचे नीचे क्या आएगा,
नीचे क्या आएगा, सब में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, पहले पहले में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, चलो सबके आगे मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं, पहले में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, फैक्टोरियल 7, दूसरे में क्या होंगी, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, देखो एप्पल डिस्टिंक्ट है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 बाय जो आइडेंटिकल होते हैं उनका आपस का कॉम्बिनेशन इग्नोर किया जाता है, तो कौन आइडेंटिकल है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, और तीसरे वाले में एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। ये वही चीज है ना जैसे इलाहाबाद का कॉम्बिनेशन, मिसिसिपी का कॉम्बिनेशन, फाइंड द ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ मिसिसिपी, तो लेटर्स को अरेंजमेंट, तो यहां पे ऑल 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स, यहां पे 7 लेटर्स बट 3 लेटर्स आर आइडेंटिकल, यहां पे 7 लेटर्स आउट ऑफ विच 4 आर आइडेंटिकल एंड 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब सॉल्व करने पे आते हैं। अगर मैं सॉल्व करने पे आया टोटल केसेस, सबसे पहले ये क्या किया गया है, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, मैंने 3 में से 2 ऑरेंजेस को सेलेक्ट कर लिया है और फिर उनको अरेंज कर दिया है, क्यों, आई हैव सेलेक्टेड 2 ऑरेंजेस एंड देन आई हैव अरेंज्ड इट, इसे कुछ लोग 3P2 भी कर सकते थे बट इट इज ओके, मैं मुझे मेरे लिए परम्यूटेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, मैंने शायद परम्यूटेशन के टाइम में पढ़ाया था कि मुझको नहीं पता परम्यूटेशन क्या होता है, मैं सारी की सारी चीजें 2 स्टेप में करूंगा, पहले मैं सिलेक्ट करूंगा फिर मैं उसको अरेंज करूंगा। ठीक है, तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2, अब ऑरेंजेस अपनी जगह पहुंच गए, अब बचे क्या मेरे पास, मेरे पास बचे क्या है, मेरे पास 4 एप्पल बचे हैं और 1 ऑरेंज बचा है, एंड ये सब के सब डिस्टिंक्ट है ना, ये सब के सब डिस्टिंक्ट है ना, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 8 सर ने गलत लिखा है, दिस इज फैक्टोरियल 5 बेसिकली, तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 7 करके देखोगे तो ये 1/7 निकलता है, एवरीवन मेरा पहले का आंसर निकलता है 1/7, क्लियर, आर वी गाइस क्लियर टिल दिस पॉइंट, थ्री सी टू में मैंने क्या किया है, 3C2 इज मेरे पास 3 ऑरेंजेस थे, ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3, उसमें से मैंने 2 ऑरेंज सेलेक्ट किए, ऑरेंज 3 एंड ऑरेंज 1, और उनको अरेंज किया टर्मिनल पोजीशंस, मतलब कॉर्नर मोस्ट पोजीशंस पे इन फैक्टोरियल 2 वे, तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एप्पल्स तो डिस्टिंक्ट थे बट ऑरेंजेस आइडेंटिकल थे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, बट न्यूमिनेटर में क्या होगा, अब अगर मेरे पास तीनों आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस में मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 oranges out of 3 identical oranges, there's only one way,
देयर इज ओनली वन वे, ठीक है. वेज टू चूज टू ऑरेंजेस वन वे, वो गलत लिखा है जो यहां पे है. तो अब वो दो सेलेक्ट हो गए, उनको कहां डाल दिया, क्या उनको पुट करने के भी दो फैक्टोरियल टू वेज होंगे, क्या उन दो ऑरेंजेस को कॉर्नर मोस्ट पोजिशन में पुट करने के दो वेज होंगे, नहीं, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल, मेरे लिए वो सारे ऑरेंजेस सेम है, किसी को कहीं पे भी डालू. अब मेरे पास बचे क्या, अब मेरे पास बचे फोर एप्पल्स एंड वन ऑरेंज. अच्छा मुझको बताओ, ये जो बचे हैं, ये जो बचे हैं, ये सब सिमिलर है कि सब डिस्टिंक्ट है, जो बचे हैं वो बताओ, आर दे उनमें से कुछ भी सिमिलर है कि सब डिस्टिंक्ट है. सब डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि वो जो एक ऑरेंज है वो एप्पल के रेस्पेक्ट में तो डिस्टिंक्ट है ना, जो एक ऑरेंज है वो एप्पल के रेस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट है. तो बेसिकली क्या हो गया, कितने वेज अरेंज हो गए, फैक्टोरियल फाइव वेज, फैक्टोरियल फाइव वेज. तो मेरे लिए आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, फैक्टोरियल फाइव, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो अपना पिछला वाला फैक्टोरियल सेवन बाय फैक्टोरियल थ्री, अगर सॉल्व करोगे तो ये भी वन बाय सेवन आता है, जस्ट अ कोइंसिडेंट. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला केस होगा वही वही आंसर इसमें आना चाहिए, ठीक है. वॉट अबाउट थर्ड केस, थर्ड केस में डिनोमिनेटर तो सबको पता है, अच्छा न्यूमरेटर में अगेन ऑरेंजेस को पुट करने के तो कोई सिर्फ एक ही वे था, जो बीच की पांच पोजीशन बची वहां पे फोर एप्पल एंड वन ऑरेंज है, वो टेन नहीं है वो वन ऑरेंज है, इसको वन ऐसे भले लिख लो, ठीक है. क्या इनमें कुछ आइडेंटिकल्स है, फोर एप्पल एंड वन ऑरेंज, फोर एप्पल्स आइडेंटिकल है ना, तो इनको अरेंज करने का वे तुमको समझ में आता है, फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फोर, यही तो आइडेंटिकल की थ्योरी होती थी ना, जो अपनी पीएनसी में हमने पढ़ी थी. तो फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फोर सॉल्व करके देखोगे, बहुत अच्छी चीज है, इसका भी आंसर वन बाय सेवन आ जाएगा, जस्ट अ कोइंसिडेंट, ऐसा वो नहीं है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है. ठीक है एवरीवन, ये चीज क्लियर हुई, यहां तक चीजें समझ में आई. मैंने अलग अलग केसेस बना लिए थे, तीन अलग अलग केसेस थे, उसमें आइडेंटिकल की थ्योरी, अगर किसी को नहीं याद है तो वो अपनी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी पीएनसी वाली रिवाइज कर लोगे तो उससे वापस आ जाएगा. आगे बढ़े, वही सब लिखा था, होमवर्क में कर लेना, केसेस बनाने होंगे एवरीवन, होमवर्क में कर लेना, केसेस बनाने होंगे, ठीक है. फोर टिकट्स आर नंबर्ड 0, 1, 10, 11 आर प्लेस्ड इन अ बैग, अ टिकट इज ड्रॉन रैंडमली 5 टाइम्स बीइंग रिप्लेस्ड ईच टाइम, एक बार निकाला नोट किया डाल दिया, निकाला नोट किया डाल दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 23. तो बेसिकली तुम्हें 23 से केसेस के बारे में सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. 0, 1, 10, 15. अच्छा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, बस इतना बता दो मुझको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, यश करेक्ट है,
आदित्य ऋतुजा करेक्ट है। सब लोग पीएनसी भूल गए हो क्या? दिस इज लाइक पिकिंग विद रिप्लेसमेंट 4:5। पहला टिकट पिक करने के लिए चार ऑप्शन उठाया, चार ऑप्शन देखा वापस, दूसरा टिकट पिक करने के लिए अगेन चार ऑप्शन, तो 4:4:4:4:4:5। इतना नहीं सही करोगे तो क्वेश्चन कहां से सही होगा? गॉट इट? आगे बढ़े। ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे, क्योंकि तीन क्वेश्चन करने के बाद हम बेसिकली पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस डन कर चुके होंगे, एंड देन वी विल मूव टू प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, देख लेना, मतलब पहले खुद से करना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देयर आर फोर लेटर्स एंड फोर एड्रेसेस इनवेलप, फाइंड द चांस दैट ऑल द letters are dispatched in the right envelope, all the letters are not dispatched in the right envelope, all the letters are dispatched in the wrong envelope. कौन सी थ्योरी है ये? हाँ ठीक है, करो जल्दी से लिखो, एक सीधा सीधा एक सिंगल सिंगल लाइन का आंसर है सबका, डायरेक्ट आंसर है, लिखो पहले क्वेश्चन में लिखो। आई नो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, मेरे लिए अच्छा है, आई डोंट नीड टू राइट द क्वेश्चन, अच्छा लगता है ना, टक 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 टक, बट तुमको लिखने का टाइम चाहिए, लिखो। ठीक है, इसके बाद दो और क्वेश्चन, देन वी विल टेक अ ब्रेक। करो करो, और ब्रेक के बाद एक्चुअली प्रोबेबिलिटी शुरू होगी, ये नहीं कि सोच जाओ कि खत्म हो गया, अभी तो ये पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी, देन वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी एंड ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी से पहले खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल बर्नौलीज एंड बेस थ्योरम इतना करेंगे एंड वी वुड बी डन। करो आंसर, आंसर आ गया, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर मेरे पास चार लेटर और चार एनवेलप्स हैं? If I have four letters and four envelopes, what are the possible outcomes? Factorial 4 na? Ab isme 4 ki power 4 kyun bol rahe ho? Factorial 4 na? Pehle letter ke liye 4 envelope, dusre letter ke liye phir 3 envelope rahenge na? Kyun? Kyunki alag 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 letter bologe na, charo letter ek hi jagah thodi. Matlab suppose karo, सपोज करो तुम्हारे पास चार गर्लफ्रेंड है और तुमने चार लेटर्स लिखे और चारों का अलग अलग एड्रेस है, तो तुम क्या करोगे? सबको एक ही जगह थोड़ी, ये सबका लेटर एक उसमें नहीं होगा, दैट वुड बी अ परफेक्ट ब्लंडर, राइट? तो वो चीज नहीं करना। अगर गर्ल्स की साइड में आ जाएंगे तो उनके चार बॉयफ्रेंड्स है, ऐसा थोड़ी है कि, ठीक है, हाँ पता है कि अभी नहीं, अभी अभी क्या मतलब कभी नहीं, जस्ट अ जोक, ठीक है, हाँ हाँ। तो फोर लेटर्स एंड फोर एड्रेसेस, फोर लेटर्स एंड फोर एड्रेसेस इनवेलप, ठीक है, पहला वाला सही होने के लिए, हाँ अभी जेई के फोर अटेम्प्ट्स पे ध्यान देना है, होपफुली तुम लोगों को चार अटेम्प्ट्स मिलेंगे, होपफुली, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि गवर्नमेंट है, अगर सब कुछ सही रहा तो दो ही अटेम्प्ट देगी। तुम लोग तो अच्छे हो यार, मतलब यू गाइज आर वेरी लकी, रीजन बींग बताओ, मतलब तुम्हारे बैचमेट्स से पूछो उनकी हालत क्या होती होगी, उन्होंने बस एक गलती कर दी, उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में, नहीं नहीं मतलब तुम्हारे बैचमेट्स नहीं है वो, मतलब उन्होंने बस एक गलती कर दी, उन्होंने मैथ्स की जगह बायो ले लिया,
और उन्होंने नीट देने का सोचा। सोचो नीट वालों को क्या लगता होगा, मतलब जेई चार अटेम्प्ट्स दे रहा है, जेई चार अटेम्प्ट्स दे रहा है, नीट एक अटेम्प्ट, ठीक है, अभी अनाउंस हुआ है अगले महीने है, फॉर नीट ओनली वन अटेम्प्ट। तो ये समझो, मतलब तो वो भी तो तुम्हारे जैसे ही है ना, मतलब दे आर एग्जैक्टली लाइक यू गाइज ना, मतलब उनको क्यों ना मिले, सेम, मतलब इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज लाइक द सेम 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 टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस ना, यू गाइज गॉट फोर अटेम्प्ट्स, दे आर जस्ट गेटिंग वन अटेम्प्ट्स, और मतलब सो नॉट ऑब्वियसली नॉट मतलब नॉट गुड फॉर देम और नॉट जस्टिफाइड फॉर देम, उनको भी वो ऑप्शंस मिलने चाहिए, होपफुली मे बी नेक्स्ट ईयर मिले, बट इस साल तो नहीं। P इज इक्वल टू 1/4, क्यों क्यों हुआ, क्योंकि देर इज ओनली वन वे, देर इज ओनली वन वे जिसमें वो करेक्ट डाल लेगा, ठीक है। तुम लोग होपफुली दो अटेम्प्ट मिलेंगे तुम लोगों को, दो मिनिमम तो दो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। What is the next? All letters are not dispatched in the right envelope. This is simple. Total minus upper wala case. I repeat, total minus upper wala case. Yehi, this is the only way to do it. Ye jo second wala hai na, this is the only way to do it. Tum cases nahi banane jaoge ki ek galat usme gaya, do galat usme gaya, teen galat usme gaya, nahi. Theek hai? Theek hai? Fine. What about third part? Third क्या है? Third is perfect blunder या derangement बोल सकते हैं, जिसका आंसर होगा D4/4. D4 की वैल्यू मैंने बताई है, अगर किसी को नहीं याद होगी या किसी ने नहीं देखा होगा तो वो क्लास एक बार देख लेगा, थ्योरी क्लास, परफेक्ट ब्लंडर विच इज D4, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सीधे सीधे एक 1/4, दूसरा 1-1/4 और तीसरा D4/4। D4 की वैल्यू 1-1/ ±, ठीक है ठीक है। जिसको भी D4 नहीं याद है वो मेरा पीएनसी का लास्ट लेक्चर एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, जरूरी है, मैंने बोला भी था रिवाइज करके आओ। चलो इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद उस पे आ जाएंगे। एवरीवन, द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसएसएन आर रिटन एट रैंडम इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस अकर टुगेदर। Find the probability that no two S occur together. क्या इसमें total minus S together वाला केस लगा सकते हैं? Can I use total minus s together? नहीं, जब भी no two s together वाली चीज है then we have to use the gap theory. सबसे पहले ये मुझे बताओ total cases कैसे होंगे, total cases, total number of cases कितने possible है? There are total 8 words ना, 8 letters ना, 8 letters, क्या तो इसका मतलब factorial 8? 8 letters means factorial 8? No, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल्स भी तो है ना, आइडेंटिकल भी तो है ना, एस आइडेंटिकल्स है, और तो बेसिकली फैक्टोरियल 8/4, फैक्टोरियल 2,
अब बेसिकली क्या करेंगे, तो जो एस को छोड़ के मेरे पास ए ए आई एन, ए ए आई एन, सबसे पहले इनको अरेंज करो। इनको अरेंज करने के वेज, हाउ मेनी वेज टू अरेंज देम, हाउ मेनी वेज टू अरेंज देम, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, क्यों? चार लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन में दो ए आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2। अब लगाएंगे इसमें गैप थ्योरी, 1 2 3 4 5, देयर फाइव गैप्स, फाइव गैप्स में 4 आइडेंटिकल एस डालने हैं, तो सबसे पहले 5 गैप्स में से 4 गैप पिक करेंगे, 5 C4। अच्छा, वो चार अगर जो पैक कर लिए उनको क्या करूंगा मैं, उसमें पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, एस, आइडेंटिकल एस है ना, तो दे उनको पुट करने का सिर्फ एक वे होगा, देर वुड बी ओनली ओनली वन वे, 5C4 × 1, गॉट इट? बच्चों खत्म नहीं हुआ है, खत्म एज इन चैप्टर नहीं खत्म हुआ है या कोई वैसा नहीं है, चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होगा तुम्हारा ब्रेक के बाद, ठीक है? 7:15 पे मिलेंगे, लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक, थोड़ा सा मैं आराम करूंगा, थोड़ी सी मेरी लाइक आई एम नॉट दैट वेल, तो 7:15 पे मिलेंगे, तुम लोग भी ब्रेक ले लो, जिसमें आराम से वो फ्रेश चीज करेंगे, फ्रेश चीज होगी, ठीक है? बेसिकली तब शुरू होगी क्या, प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन में आंसर है क्या, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन में तो आंसर होगा ना, ठीक है? अच्छा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर वुड बी 5C4 × (factorial 4 by factorial 2)^(factorial 8 by factorial 4, factorial 2)। अब इसको जैसे भी जो भी कैंसिलेशन वैंसिलेशन करना है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है एवरीवन? 7:15 पे मिलते हैं, लेट मी हैव समथिंग, ठीक है, बाय बाय। आ जाओ सब लोग,
एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ठीक है, ऑन है सब। वो किधर है? मार्कर हो गया। ये ट्राई करेंगे बाद में। लोगों को ये याद है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस? मैंने फंक्शंस में बताया था, ठीक है? तो मैंने उस वक्त बोला था कि बाद में भी आ सकता था, 3 की पावर 6, फिर 3c1, 2 की पावर 6 ऐसे, ठीक है? ये वही फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस तरह की भी काफी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वाली भी। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये मैंने बस एक ये चीज पुरानी याद दिलाने के लिए वापस कर दी गई है कि दो तरह के तुमको सेट्स दे दिए जाएंगे, उनमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पूछी जा सकती हैं विद सम प्री कंडीशंस, ठीक है, विद सम प्री कंडीशंस। जो इसका क्वेश्चन है, एक्चुअली इसका जो क्वेश्चन है वो एडवांस का क्वेश्चन है, पीछे ऑलरेडी है, तुम लोग पहले देखना, जिसको जिसको बाद में हम एडवांस के जब रिवीजन में देखेंगे तो वो देखेंगे। दिस इज अ एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं एवरीवन, लेट्स स्टार्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपरली, लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नहीं, वो नोट डाउन नहीं करना था, वो एडवांस वाला है, मैं नोट्स में ऑब्वियसली पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इक्वली लाइकली, सबसे पहला वर्ड है इक्वली लाइकली। इंग्लिश सबको समझ में आती होगी, विच सेज ऑल आउटकम्स आर इक्वली प्रोबेबल, नो पर्टिकुलर इवेंट हैज अ प्रेफरेंस ओवर एनी अदर पार्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वली प्रोबेबल इवेंट, ठीक है। लिख लो सब लोग इसको, तीनों लाइन को, क्या है ये? जैसे मैंने टॉस किया तो टॉस के जो आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल, दे आर इक्वली लाइकली। या मैंने डाइस थ्रो की, वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, दे आर इक्वली लाइकली, ठीक है। अच्छा, मैंने दो डाइस थ्रो की, एवरीवन, मैंने दो डाइस थ्रो की, सब लोग सुनना, मैंने दो डाइस थ्रो की तो उनका सम इज इवन और उनका सम इज ऑड, आर दीज टू इवेंट्स इक्वली लाइकली? बहुत लोग बोल रहे हैं यस, कुछ एक दो लोग बोल रहे हैं नो, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं यस, कुछ एक दो लोग बोल रहे हैं नो। ऑब्वियसली तुम्हें देखो, मेरा कहना यह है कि अगर इक्वली लाइकली है तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तुम करके देखोगे, प्रोबेबिलिटी अलग आती है, प्रोबेबिलिटी अलग आती है। कैसे अलग आती है, अगर किसी को सीधे सीधे देखना भी है, ठीक है। तो अगर दो डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? There would be 36 possible outcomes, ठीक है।
ऑड आने के लिए क्या होगा? सम ऑड आने के लिए क्या होगा? देयर शुड बी एन ऑड नंबर एंड देयर शुड बी एन इवन नंबर, ठीक है? अच्छा, दो डाइस थ्रो की है, तो सबसे पहले ऑड आने के लिए कितना? सी वन थ्री इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है? मेरे हिसाब से शायद इक्वली प्रोबेबल है, शायद, क्योंकि मुझे 18 दिख रहा है. व्हाट इज दिस थ्री? व्हाट इज दिस थ्री? पहला थ्री ही कि डाइस वन में इवन आए, दूसरा थ्री इज डाइस टू में ऑड आए, ठीक है? और ये चीज रिवर्स भी हो सकती है ना, इनटू टू. मतलब मैं पॉसिबल केसेस बताऊं, अगर पॉसिबल केसेस बताऊं कि डाइस वन में इवन है, डाइस टू में ऑड है, और दूसरा केस है डाइस वन में ऑड है, डाइस टू में इवन है, तो इस वजह से टू. तो थ्री इंटू थ्री इंटू टू कितना हुआ? न्यूमरेटर कितना हुआ? न्यूमरेटर कितना हुआ? 18. डिनोमिनेटर क्या हुआ? 36. तो बेसिकली दिस इज हाफ. तो इवन ऑन ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ऑब्वियसली इवन आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी. तो यहाँ पे हाफ हाफ ही है, ठीक है? तुम सीधे सीधे कोई भी चीज नहीं बोलोगे इक्वली. एक मिनट, बेल बज रही है, जस्ट गिव मी. Amazon की डिलीवरी आई थी. तो जब भी प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए. तो अगर मैं बोलूं कि अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे होते, अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे थे एंड दे आर इक्वली प्रोबेबल, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे थे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/2, 1/2. तो सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इक्वली प्रोबेबल मतलब उनकी इन द एंड प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अगेन बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है जिसको डिसजॉइंट भी बोलते हैं, या इनकंपैटिबल नहीं, इनकंपैटिबल. ये इनकंपैटिबल, आई एम नहीं, आई एन, ठीक है? यहां पे भी इंग्लिश समझ में आ रही है. डिसजॉइंट सेट्स पता है? डिसजॉइंट सेट्स मतलब बेसिकली दो चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, ठीक है? ठीक है, तो याद करो जब तुम क्लास सेवेंथ में थे तो तुम्हारा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना था या बनी थी, फिर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तो उसने क्या बोला था? वी आर इनकम्पैटिबल, मतलब हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है. उसके बाद घर आके तुम लोग बहुत रोए थे, याद आया? तो वही चीज, इफ देयर इज नथिंग कॉमन, इफ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन टू थिंग्स, देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल, ठीक है? और इनकम्पैटिबल. हाँ, कुछ लोगों के साथ वो दिन आए ही नहीं अभी तक, सो डोंट वरी, वो दिन आएंगे. दैट्स अ मतलब लाइफ साइकिल है,
ठीक है, साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है, डोंट वरी, मेरे साथ नहीं हुआ है, आई वॉज ऑन द अदर साइड, नॉट द इधर वाला, ठीक है, सो मेरे मेरी लाइफ बेटर है. हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल, ठीक है, टू आउटकम्स हुज साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, दैट इज अकर्ड वंस ऑफ वन रूल्स आउट. कुछ इंग्लिश सर ने गलत लिख दिया क्या? टू आउटकम्स हुज साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल, दैट इज अकरेंस ऑफ वन, दैट इज अकरेंस ऑफ वन, हाँ ये अकरेंस है, दैट इज occurrence of one, occurrence of one rules out the occurrence of another, मतलब अगर एक हो गया है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है, they can never exist together, then it is called mutually exclusive. ये दोनों important word है, जैसे English है वैसे ही important words है. एक और important word आएगा, पहले इतना लिख लो, ठीक है. अच्छा, इसमें नीचे मैं पहले ये हटा देता हूं, ये अकरेंस है, ठीक है. अच्छा, ये इंटरसेक्शन वाला साइन है, अकरेंस ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी नल, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू वन. ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुमको समझ में आता है, पी ऑफ ए यूनियन बी वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू वन. ए एंड बी किसी भी दो इवेंट की यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा लेस देन वन होगी ना, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती. और ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का भी आएगा, आगे भी आएगा, आज ही क्लास में आ जाएगा या नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b यहां पे जीरो है, इस वजह से पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल टू वन होता है, ठीक है. लिख लो, अभी आगे की क्लास में ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. यहां से ये हो जाता है कि जैसे इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे आगे, मैं लिखा भी दूंगा, अभी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट, आज ही आएंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद, ठीक है. तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, तो इक्वली लाइकली हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया. अब तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये लास्ट वाले दोनों चीज लिख ली है ना, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख दिया गया तो उनका इंटरसेक्शन जीरो है, ठीक है. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है. अभी हम क्वेश्चन के थ्रू सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है. एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या अगर हेड आया तो टेल आ सकता है, अगर हेड आया तो टेल आ सकता है, या टेल आया तो हेड आ सकता है, नहीं आ सकता. अगर सम इवेंट है तो सम ऑड, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है. लेकिन अगर सम ऑड है एंड सम प्राइम नंबर है, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? द सम इज ऑड, द सम इज प्राइम, ठीक है. द सम इज इवन, द सम इज प्राइम, व्हाट अबाउट दिस? द सम इज इवन, द सम इज प्राइम, व्हाट अबाउट दिस? इज इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इज इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, इट इज ऑल्सो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्यों? क्योंकि टू, टू इज अ प्राइम नंबर,
टू इज अ प्राइम नंबर ना, कुछ भी कॉमन हो गया मतलब, ठीक है. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब बेसिकली अ सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव इफ नथिंग बियॉन्ड द आउटकम्स ऑफ दीज इवेंट्स इज लिस्टेड इन द सैंपल स्पेस. मतलब तुमने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बता दी. एक टेस्ट होना था, एक टेस्ट होना था, ठीक है, एक टेस्ट होना था, उस एक मैच होना है, एक मैच होना है दो टीम्स के बीच, दो टीम्स के बीच एक मैच होना है. तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो अगर बता दी, देन इट इज उनका कलेक्शन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो उनका कलेक्शन, मैच होना है तो सबसे पहली चीज मैच कैंसिल हो गया, दूसरा टीम ए विंस, तीसरा टीम बी विंस, फोर्थ टाई हो गया, ठीक है. तो ये हो गया. वैसे मैच कैंसिल, जनरली मैच कैंसिल इज नॉट अ, माना नहीं आता, मतलब वो तो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना, क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन होगा सारी चीजें कि अ मैच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है. ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन है, ऑल द पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन है, देन इट इज म्यूचुअली एंड देन इट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. मतलब मैंने डाइस रोल की, मैंने 50 डाइस रोल की, मैंने 50 डाइस रोल की, ठीक है. द इवेंट कैन बी द सम इज इवन, द सम इज ऑड. कुछ और हो सकता है क्या? ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. द सम इज इवन, द सम इज ऑड, आर दे एग्जॉस्टिव इवेंट्स? यस, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो सबका मिला के, ठीक है, सैंपल स्पेस इज सेम एज एग्जॉस्टिव, नहीं साहिल, सैंपल स्पेस बनना चाहिए सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स को मिला के. दिस इज सैंपल स्पेस, दिस 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 दिस, इन सबको मिला के शुड बी द, मतलब कभी भी एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसा नहीं बोलेंगे E1 इज एग्जॉस्टिव इवेंट, नहीं, E1, E2 एंड E3 मिलके आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है. मिनिमम दो इवेंट्स तुम्हें बताए जाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स को जानने के लिए. ये मेरा सैंपल स्पेस है, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, ठीक है. सपोज करो ये तीनों मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, कभी भी ये नहीं बोलेगा E1 इज अ एग्जॉस्टिव इवेंट. E1 एंड E2 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 था, और E1 और ये मेरा, ये जो एक और मैंने दिखाया, हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरा E3 था. तो अब बताओ, अब इसमें क्या बोला जाएगा? E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्या E1 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? इसमें दो वर्ड्स बोले जा सकते हैं, E1 इसमें E1 एंड E2 एग्जॉस्टिव है, या फिर E1 E2 और उसके बाद E3 भी ऐड कर सकते हो. अगर दो मिल गए तो फिर तीसरा उसमें 10 भी ऐड कर दो. E1 E2 E3 भी एग्जॉस्टिव है. बेसिकली सबको मिला के हाँ, ये E3 है, ठीक है. सबको मिला के पूरा का पूरा सेट होना चाहिए. उन सबका यूनियन शुड बी उन सबका यूनियन शुड बी
माई कंप्लीट सेट, ठीक है, तो मैं ये उड़ा दे रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ, P of E1 union E2 up to union EN is equal to 1। अगर E1 से लेके EN exhaustive है। श्रेया, अगेन मैं बोल रहा हूं, सिंगल इवेंट्स एग्जॉस्टिव नहीं होते हैं, हमेशा मिनिमम दो इवेंट्स मिलके ही एग्जॉस्टिव सेट्स बना सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बना सकते हैं। तो यहां पे कोई ये नहीं बोल सकता सर इतना लिखने के बाद E2 इज एग्जॉस्टिव, नहीं, E1 E2 E3 डॉट 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 EN इज एग्जॉस्टिव, अगर वो सब मिलके एग्जॉस्टिव है देन P ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, मुझको ये बताओ, E1, E2, E3 क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, आर दे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यस, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यस यस। तो एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फॉर एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री क्या होगा, कोई बताएगा, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, इट शुड बी 1, क्योंकि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो जो यूनियन होता है किसी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, P ऑफ A यूनियन B फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज PA प्लस PB, फॉर P ऑफ A यूनियन B यूनियन C फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बोल रहा हूं, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इट शुड बी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है, हाँ वो वही चीज लिखी है, इसको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे, इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, अभी एवरीवन मिनिमम 40-45 मिनट्स तो है, अभी 40 मिनट्स का लेक्चर है, सो कितना लिख लिया, आगे बढ़े, इफ टू फेयर डाइस आर थ्रोन, let A be the event that first die shows an even number and B be the event that second die shows an odd number, then event A and B are options, मैंने दे दे रहा हूँ कौन सा option है, exclusive but not exhaustive, exhaustive but not exclusive, both या none, दो events हैं तुमको बताना है, वो दोनों मिलके whether they are exclusive and exhaustive, exclusive but not Obviously, देख लिया ऑप्शन, बताओ इस चीज के ऊपर, दो क्वेश्चन करेंगे फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे। और उनके ऊपर भी दो क्वेश्चन देखेंगे।
टू क्वेश्चन देन थ्योरी देन टू क्वेश्चन एंड देन वी आर डन. आंसर बताओ इसका एबीसीडी में. एबीसीडी में आंसर बताओ. तुक्का मत मारो. आंसर क्या मेरे अपने आंसर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के कौन देता है? अगर तुम आंसर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के दे रहे हो तो इसका मतलब तुम ही कंफ्यूज हो. देखो पॉसिबल आउटकम्स ये अगर डाइस वन है और ये अगर डाइस टू है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन ऑड, इवन इवन, राइट. अच्छा बी इवेंट कौन सा है? व्हाट इज इवेंट बी या इवेंट ए? द फर्स्ट डाइस शोज एन इवन नंबर, दिस इज ए. And what is event B? The second die shows an odd number. This is B. तो अब notice करो क्या इन दोनों में कुछ भी common है? क्या इन दोनों में कोई भी case common है A and B में? क्या case A and B में कुछ common है? Yes, obviously common है. सब लोग नो नो क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल क्यों नो बोल रहे हो? क्या इन दोनों में common है? Yes, देखो इवन ऑड वाला केस कॉमन है ना. अगर डाइस वन में इवन आए डाइस टू में ऑड आए. डाइस वन में इवन आए डाइस टू में ऑड आए तो दैट इज द केस इन ए एंड बी. क्या ये दोनों मिलके के ए एंड बी मिलके सारे पॉसिबल आउटकम्स दे पा रहे हैं? क्या केस ए एंड बी मिलके ऑल द फोर पॉसिबल आउटकम्स दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं तो एग्जॉस्टिव भी नहीं है. सबसे पहले एक्सक्लूसिव होने के लिए इवेंट ए एंड इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. हाउ मेनी केसेस आर हेयर? हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर हेयर? केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर. क्योंकि दो डाइस थ्रो की गई है तो चार पॉसिबल केस हो सकते हैं. ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन इवन, ठीक है. अब मेरा यह कहना है कि सबसे पहले मैं केस ए के बारे में देखूंगा. मैं केस ए के बारे में देखूंगा. ए वो केस है जब फर्स्ट डाई इवन शो कर रहा है. तो मतलब ये वाले दो केस, ये दो केस, आई रिपीट, ये दो केस इज ए. विच टू केस आर बी? जब सेकेंड डाई ऑड दे रहा है. ये दो केस ब्लू नहीं लेते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं. ये भी वही हो गया. रेडी ले लेते हैं. ये दो इस बी, तो देखो क्या सेट ए एंड सेट बी में कुछ कॉमन है? यस कॉमन है. केस नंबर थ्री कॉमन है. दिस केस इज कॉमन इन सेट ए एंड बी. क्या सेट ए एंड सेट बी निकाल के सारे केस दे पा रहे हैं? नहीं. ये वाला केस मेरा छूट जा रहा है. पहला वाला केस मेरा, पहला वाला केस छूट जा रहा है. तो इसका मतलब दे आर नॉट एग्जॉस्टिव एज वेल एज दे आर नॉट, दे आर नॉट exclusive. Got it? Clear हुआ अभी सबको? ठीक है. तो answer is obviously D. आगे बढ़े, लिख लो इसको properly. This was A. This was B. आगे बढ़े, लेट्स मूव.
इफ दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, और वो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटिव नहीं है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी आर. ठीक है, घर में ट्राई करोगे इसको? एवरीवन इसको घर में ट्राई करोगे? मैं फंडा बता दे रहा हूं तुमको, फंडा. अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो एक चीज लिखाई गई थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए. क्या लिखाया गया था? देखो क्या कंडीशन लिखाई गई थी. इंटरसेक्शन तो जीरो लिखा गया था, उसके अलावा इंटरसेक्शन जीरो से क्या निकलेगा? उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम, उन सब की इंडिविजुअल सम इज लेस देन इक्वल टू वन. कंडीशन निकालनी है ना, इनइक्वालिटी निकालनी है ना, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम लेस देन इक्वल टू वन होगा. एक कंडीशन तो ये निकली. अच्छा, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू वन होगा तो उधर से एक साइड की कंडीशन तो निकल जाएगी. व्हाट वुड बी द सेकंड? दूसरी कंडीशन क्या होगी अगर ये प्रोबेबिलिटीज है? आई रिपीट, अगर ये प्रोबेबिलिटीज है, मैंने लेस देन इक्वल टू की कंडीशन तो निकाल ली, अगर ये प्रोबेबिलिटीज है तो क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव या वो नहीं दिया है. अगर ये प्रोबेबिलिटीज है, हर एक प्रोबेबिलिटी की, आज मैंने क्लास ही शुरू की थी उस पॉइंट से, मैंने क्लास ही शुरू की थी उस पॉइंट से, ये सब भूल जाओ, ये गलत लिखा है, मतलब ये सब सर ने वैसे लिख दिया. पहली चीज तो तीनों का सम, सॉल्यूशन वो मत देखो, ये सॉल्यूशन में कुछ सर ने कुछ वैसा लिख दिया होगा क्योंकि वैल्यूज बहुत है. हर एक इंडिविजुअल वुड बी वन से कम एंड ग्रेटर देन जीरो होगा. हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी हमेशा जीरो से वन के बीच लाई करती है. ठीक है, ठीक है. ठीक है, चलो ठीक है. तो ऑब्वियसली ये करोगे और सबका सम लेस देन इक्वल टू वन करोगे एंड सम निकाल लोगे एंड देन यू विल, ठीक है, करोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे. अगेन प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी में. अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब क्लास होनी थी. ठीक है, क्लास होनी थी आज मॉर्निंग में 8 o'clock, क्लास होनी थी. आज मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास होनी थी. तुम अगर एक नॉर्मल डे है तो तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये बताओ. अगर एक नॉर्मल डे है तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 तो नहीं बोलोगे क्योंकि 1 का मतलब फिर तुम कभी भी जिंदगी में कभी एब्सेंट नहीं हुए. देयर इज नो सच थिंग एज 1. यू कैन से 9/10, यू कैन से 0.9 या 9/10, यू कैन से, राइट. 1 तो मैं मानूंगा भी नहीं क्योंकि नहीं होती किसी की भी नॉर्मल डे पे कुछ ना कुछ. ठीक है, अच्छा सपोज करो खूब हैवी रेन हो रहा है मुंबई में, हैवी रेन,
या पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी हो रहा हैवी रेन, तब तब तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लास में आने की? इट वुड बी 3/10, 2/10, 4/10. ऑब्वियसली सपोज करो 3/10 है, कुछ नहीं था तो प्रोबेबिलिटी थी 9/10 और हैवी रेन हो रही है, होती तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थी 3/10. ठीक है, होती ये तुम घर में, ये एक तुमने प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है, ये तुम्हारा एक प्री कंसीव्ड नोशन है, मतलब ये एक डेटा के ऊपर चीजें हो गई हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में रखने के काम आता, मतलब ये सिचुएशंस हो सकती थी, मतलब कोई तुम, मैं तुमसे पूछा, अब आके पूछा, इट कुड हैव हैपन, बट अब मैंने आके बोला कि बहुत जोर से रेन हो रही है, बिल्कुल मतलब रेन हो रही है, अब अगर मैं तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछूंगा क्लास जाने की तो वो 0.3 नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो तो जब कुछ भी नहीं था तब की केस थी, अब एक कोई चीज हो चुकी है, तो कोई चीज हो चुकी है तो ऑब्वियसली केस अलग हो गया ना, केस अलग हो गया. मतलब मैं तुम्हारी की जगह एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, बैंक लोन देता है, राइट, बैंक लोन देता है, तो उसके पास कुछ कंडीशंस होती थी कि अगर इस पर्सन ने हमेशा लोन रिपे किया है, होगा उस पर्सन ने हमेशा लोन रिपे किया होगा तो उसको मैं 90% में, मतलब 90% गारंटी या 9/10 की प्रोबेबिलिटी से लोन दे दूंगा. अगर वो पर्सन ने लोन रिपे नहीं किया होगा कुछ, तो मैं 5/10 की प्रोबेबिलिटी से उसको लोन दूंगा. ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा रखा है. अब मैं मैनेजर हूं बैंक का, मेरे पास सामने एक बंदा आया, मैंने उसकी फाइल देखी तो सबसे पहली चीज मुझे दिख गई कि वो लोन रिपे नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट अब वो लोन रिपे करने वाले केस से हट गया. अब उसके लिए, अब उसका यूनिवर्स या उसका सैंपल स्पेस क्या रह गया, ये बताओ. नाउ व्हाट इज द सैंपल स्पेस, अब उसको मैं किस चीज में जज करूंगा, उसको सिर्फ उतनों में ही जज करूंगा जो लोन रिपे नहीं करते हैं. समझ में आया है ना, चेंज हो गया मेरा, मेरी चीजें चेंज हो गई. तो ये होती है, इसका, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये इंटरसेक्शन है एंड नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी. नीचे क्या है, पीबी यानी बी की प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में बी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, और न्यूमरेटर में ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी. मेरा यह कहना है कि, ठीक है, मेरा यह कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, अभी आज ही इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लेंगे. अच्छा, अब एक वर्ड मैंने बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फ्रेंड के क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, या फ्रेंड छोड़ दो, मतलब एक गोरे गांव के, एक गोरे गांव के ब्रांच के स्टूडेंट के आने की प्रोबेबिलिटी विले पाले के स्टूडेंट के आने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी,
नहीं, या नासिक की प्रोबेबिलिटी, नासिक के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी औरंगाबाद के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी. दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो टू इवेंट्स ए बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ वन और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर. तो इसमें जानते हो पी ऑफ ए बाई बी शुड बी पी ए. वाई? P of A by B should be PA. क्यों? क्योंकि actually आज तक हम जो भी चीज देखते थे ना, वो independent events के बारे में बात करते थे. जैसे मैंने एक dice दो बार roll की. मैं समझाता हूं. मैंने एक dice दो बार roll की, ठीक है? पहली बार four आया. क्या पहली बार four आने या पहली बार even आया, क्या पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगी? नो. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते थे? अगर पी बोथ इवन तो तुम पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी हाफ. दूसरी बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी इनटू हाफ, ठीक है? या सपोज करो मुझे यहां से लखनऊ जाना है, मुझे यहां से लखनऊ जाना है, यहां से मैं पुणे जा रहा हूं, पुणे से मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से मैं लखनऊ जा रहा हूं. यहां से पुणे जाने के लिए मेरे पास बस कार का ऑप्शन है, पुणे से दिल्ली जाने के पास मेरे पास फ्लाइट ट्रेन का ऑप्शन है, और दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए मेरे पास घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या मतलब कोई भी, दो तीन दो या दो तीन चार, ठीक है? तो यहां से पुणे जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो थ्री, फिर पुणे से दिल्ली जाने के लिए फोर ऑप्शंस, फिर दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए सपोज करो टू ऑप्शंस. तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. तो इतना समझो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट P of A intersection B क्या होता होगा? PA into PB. For independent events, P of A intersection B would be PA into PB. ठीक है? For independent events, P of A intersection C क्या होता होगा? PA into PB into PC. तो आज तक जो हम पढ़ते थे ना सारी चीजें, दे वर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो हम बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आया था, जो हम मल्टीप्लाई करते थे एक के बाद एक के बाद एक, क्यों कर देते थे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते थे. मेरे पास पहले के लिए अगर चार ऑप्शन है, चार इंटू थ्री इंटू टू, वही चीज प्रोबेबिलिटी में भी रहेगी. अगर मान लो प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ठीक है? तो देखो अगर मैं ये फॉर्मूला ऊपर लगा दूं, P of A intersection B, PA into PB, PB PB कट गया, it should be PA, ठीक है? For independent events only, for independent event only. ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो तुमको याद रखना है. P of A by B is P of A intersection B upon PB, ठीक है? Everyone, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अभी ऑब्वियसली एग्जाम, अभी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अभी ये लिख लो, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे. एग्जाम्पल आज ही क्लास में नहीं, इसके ऊपर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी हम इस चीज के ऊपर ज्यादा करेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट क्लास में वापस मैं समझाऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के एग्जाम्पल्स. मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, ये कुछ मैंने बताया था ना, ये चीज बताने वाले हैं. ये क्या है? This is the formula of P
ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस, ये सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला है। सिमिलरली तीन के लिए क्या होता है, तीन का सम माइनस दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, याद है ये सेट थ्योरी वाला था, ये हमने शायद पीएनसी में भी ऐसा देखा था, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, तो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे अभी, वी विल डू इसी के ऊपर दो क्वेश्चन करके, दो नहीं तीन क्वेश्चन करके आज की क्लास एंड हो जाएगी। तीनों क्वेश्चन बड़े ही लिखने में ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन सॉल्व करने में छोटे से क्वेश्चंस होंगे, तो डोंट वरी। तो किसी ने कुछ बोला, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, हाँ दिस इज प्लस, तीन का सम माइनस दो दो का डिफरेंस प्लस, ठीक है। मुझको याद दिलाना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन विल बी अलाइव इन 20 इयर्स इज 3/5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज दैट द वाइफ वुड बी अलाइव इज 2/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी अलाइव इन 20 इयर्स। At least one would be alive in 20 years. Karo. Dekho. Mujhko nikalna kya hai? मुझको यूनियन निकालना है ना, एवरीवन सबको ये समझ में आता है कि मुझको यूनियन निकालना है, क्यों यूनियन निकालना है, मुझको क्यों यूनियन निकालना है। वन वुड बी अलाइव वाले केसेस क्या रहेंगे, एटलीस्ट वन, और केस है ना, और हस्बैंड या वाइफ या दोनों, तो दिस इज लाइक वी हैव टू यूज पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन वुड बी हस्बैंड अलाइव, वाइफ अलाइव माइनस उनका इंटरसेक्शन, क्या उनका उनका अलाइव रहना, क्या उनका अलाइव रहना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी पी ए इंटू पी बी। तो सीधे सीधे मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अलाइव, this is like both are, ठीक है। तो सीधे सीधे p of a union b निकाल लिए है, जिसका आंसर आएगा 13/15। गॉट इट, ये क्लियर है सबको, किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, इसका अपना ये their probability of living alive is independent of each other. इसको अपना method 2, जो अपना पुराना method था, cases बना के, both alive, one alive, one dead, one alive, both dead. तो मुझको ये तीनों cases के individual probabilities निकाल के भी मैं add कर सकता था, ठीक है? ये एक दूसरा method होता, which is the another method, ठीक है? एक और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बिल्कुल सिंपल से। एवरीवन, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद वन मोर क्वेश्चन, दैट्स इट, फिर मैं रोक दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा होपफुली। लेट मी सी, बर्नौलीज बेस थ्योरम, यस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। पी ए दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी बी निकालना है, होपफुली निकाल सकते हो आप लोग, दो मिनट है, निकालो। निकालो निकालो सब लोग, पी बी निकालो,
आंसर इज 5/7. क्या हो रहा होगा, फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला ये है. अब क्या क्या दिया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटू पी बी. ध्यान रखना, जब तक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है तब तक ये वाला पॉइंट नहीं आएगा. इसकी जगह क्या आएगा, P of A intersection B आएगा. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है तभी ये चीज आएगी. ठीक है, अब पॉइंट एट थ्री पॉइंट एक्स पी बी इंटू पॉइंट थ्री इंटू पी बी, मुझको पी बी निकालना है. रीअरेंज किया, पी बी 5/7 आ गया. ठीक है, पी बी 5/7 आ गया. Got it? लिख लिया सबने? ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर बहुत ही सिंपल सा है. लिख लो सब लोग और आंसर बताओ. आंसर बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे क्यों सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन को लिखने को दिया. करो करो करो. A married couple decides to have children until they have both a son and a daughter for the first time in the family, or they have a maximum of 5 kids. It is known that their first 2 children are both sons. Find the probability that they will have the largest family size. Assume son and daughter to be exclusive, exhaustive, and equally likely. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, फिर तुम लोग चिल मार सकते हो, कल तुम्हारा फिजिक्स की क्लास है. फिजिक्स खत्म हो जाएगा तुम लोगों का जल्दी ही. ठीक है, तो जब फिजिक्स खत्म होगा, तो जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो उसी बीच, पहले मैंने सोचा था तुम लोगों का वो कवर अप, जो कवर अप सोचा था ना, याद करो, मैंने सोचा था ना वो करने का, कोनिक सेक्शन का कवर अप. तो वो मैंने पहले सोचा था कि अभी कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना जब तुम लोग का, तो उस बीच तुम लोग को यू विल गेट 10 to 15 डेज का ब्रेक. तो उस वक्त मैथ्स का एक अपना ये ट्रैक चलेगा और उस वक्त पीछे वाला मैं कवर अप भी करा दूंगा. सर्कल स्ट्रेट लाइन सर्कल तक तो सब वेट. कोई बेल बजा रही है नहीं, आज बैट आज मैथ्स की डाट नहीं थी. वापस कुक आया था कुक. ठीक है, अच्छा क्या चीज नोन है, फर्स्ट 2 सन हो चुके हैं, तो क्या मुझे डू आई नीड टू केयर अबाउट देम. पहले 2 सन हो चुके हैं तो डू आई नीड टू केयर अबाउट देम, नो. अब मेरे लिए मैक्सिमम 3 मोर चिल्ड्रन होने चाहिए, 3 मोर चिल्ड्रन होने चाहिए. उसके बारे में ऑप्शंस क्या है ये सोचो. उसके बारे में ऑप्शन ये है कि सन सन डॉटर हो जाए. क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि बोथ सन एंड डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम, बोथ सन एंड डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर डॉटर इससे पहले कहीं आ गई होती, सपोज करो 2 सन के बाद डॉटर आ जाती, तो कंडीशन मेरी फुलफिल होती, तो मैक्सिमम फैमिली साइज नहीं हो पाती उसकी.
उसको मैक्सिमम फैमिली साइज 5 चाहिए, तो नेक्स्ट 2 सन होंगे फिर डॉटर होगी, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। इसका क्या मतलब हुआ, सन की भी प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, डॉटर की भी प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, एंड दे कैन बी मल्टीप्लाइड हाफ हाफ हाफ। क्या कोई और केस पॉसिबल है, क्या कोई और केस पॉसिबल है जब वो मैक्सिमम फैमिली साइज है? यस, जब तीनों सन 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 है, उसके डॉटर ही ना हो, तब भी देखो और लिखा है ना, दे बोथ हैव अ सन एंड अ डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम और दे हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 किड्स। तो या तो जैसे ही सन सन हो चुके हैं तो सीधी सी बात है, जहां डॉटर हो जाती डन हो जाता तो डॉटर फिफ्थ पोजीशन पे ही आ सकती थी या आई ही नहीं, देन ओनली दे विल हैव 5 किड्स। गॉट इट? तो 1/8 दोनों का सम मिला के 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। एम आई डन? एम आई डन? यस, आई थिंक आई एम डन। मैं ये शेयर कर दूंगा, इतना रिवाइज कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा ये शीट, रिवाइज कर लेना, थर्सडे को हम प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, दिस इज SSD या फिर SSS, दो ही केस हो सकते हैं, 4 सन एंड डॉटर या 4-5 सन, ठीक है, और कोई केस नहीं हो सकता था। थर्ड इज डॉटर, अगर थर्ड डॉटर हो जाएगा तो फिर सन आ ही नहीं सकता ना, तो दे विल हैव 3 किड्स। व्हाई? दे विल हैव 3 किड्स, देन मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव द लार्जेस्ट फैमिली साइज, द लार्जेस्ट फैमिली साइज शुड बी 5 किड्स होने चाहिए, ठीक है। yes. हाँ यश रोशलानी, चलो डन, बाय बाय एवरीवन, बाय।